पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर जिलों में भीषण अकाल के चलते गौवंश की दुर्दशा व दम तोड़ रहे निराश्रित गौवंश के लिए चारे पानी की व्यवस्था को लेकर बाड़मेर जिला मुख्यालय पर राजस्थान गौसेवा समिति द्वारा दिया जा रहा धरना शनिवार को 9वें दिन समाप्त हुआ। गौसेवा समिति के प्रतिनिधि मंडल ने बाड़मेर जिला प्रशासन के साथ मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर वार्ता की। वार्ता के बाद प्रशासन ने समिति की प्रमुख मांगों को मान लिया, जिसके बाद धरना समाप्त करने की घोषणा की गई। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर जिलों में भीषण अकाल के चलते गौवंश की दुर्दशा व दम तोड़ रहे निराश्रित गौवंश के लिए चारे पानी की व्यवस्था को लेकर बाड़मेर जिला मुख्यालय पर राजस्थान गौसेवा समिति द्वारा दिया जा रहा धरना शनिवार को 9वें दिन समाप्त हो गया। गायों को बचाने की मुहिम को लेकर साधु संतों के इस हल्ला बोल की चर्चा देश भर में हुई थी और कई जगह यह आंदोलन सुर्खियों में नजर आया। ऐसे में सरकार और प्रशासन पर बड़े चौतरफा दबाव के चलते प्रशासन को गौ सेवकों की मांगों के आगे झुकना पड़ा। गौसेवा समिति के प्रतिनिधि मंडल ने बाड़मेर जिला प्रशासन के साथ मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर वार्ता की। वार्ता के बाद प्रशासन ने समिति की प्रमुख मांगों को मान लिया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। तारातारा मठाधीश महंत प्रतापपुरी राजस्थान गौसेवा समिति के अध्यक्ष महंत रघुनाथ भारती ने जानकारी दी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बाड़मेर जैसलमेर के गौवंश के लिए विशेष पैकेज दे दिया है। इसके अतिरिक्त प्रशासन द्वारा चारे के अभाव में गौवंश के लिए पोषाहार व अन्य खाद्य सामग्री की समुचित व्यवस्था के साथ पानी की भी व्यवस्था करवाने का आश्वासन दिया गया है। प्रशासन ने हमसे गौसेवा के लिए सुझाव मांगे कि गौसेवा समिति के जो भी सुझाव रहेंगे और किस प्रकार से जल्दी हम भूखे गौवंश को चारा पहुंचा सकते हैं, उसके लिए पहला वो हमसे सुझाव मांगे और सुझाव दिया है और तत्काल इसके ऊपर हमें भरोसा दिलाया है कि हम किस कार्रवाई करके हाथों गौओं के लिए चारा पानी की व्यवस्था करेंगे। तो आज आपने क्या निर्णय लिया, धरना आज समाप्त करते हैं? सरकार और प्रशासन काम करने के लिए तैयार है, तो हम भी उनके साथ मिलकर के गौ सेवा का कार्य करने के लिए। प्रशासन द्वारा गौसेवकों की सभी मांगे मान ली गई, ऐसे में सभी संतों और गौसेवकों की सहमति से धरना समाप्त किया गया। इस दौरान तारातारा मठ के मठाधीश महंत प्रतापपुरी, राजस्थान गौसेवा समिति के उपाध्यक्ष महंत रघुनाथ भारती, पथमेड़ा गौशाला सचिव आलोक सिंघल, जेठमल जैन समेत कई गौसेवक मौजूद रहे।